कश्मीर के हालात अब सामान्य हो चुके हैं। ऐसे में सरकार किसी भी ऐसी चीज को बढ़ावा नहीं देना चाहती जो अशांति फैलाए। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने की बरसी पर अलगाववादियों ने ब्लैक डे मनाने की धमकी दी। इसी के मद्देनजर प्रशासन ने 4 और 5 अगस्त को श्रीनगर में कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया। हर तरफ कड़ी सुरक्षा कर दी गई ताकि कहीं पर कोई भी माहौल खराब ना कर सके। कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने के आदेश दिए गए। इसके अलावा श्रीनगर के हर पुलिस थाना इलाके में एक मजिस्ट्रेट तैनात किया गया जो पूरे हालातों पर नजर रखेगा। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने की बरसी पर आज श्रीनगर में भाजपा एवं एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने खुशी मनाई। इसी दौरान गोला बाजार में जमकर आतिशबाजी के साथ मिष्ठान वितरण किया गया। मौके पर भाजपा व एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के पक्ष में भाजपा पार्टी जिंदाबाद के जमकर नारे लगाए। कार्यकर्ताओं ने कहा कि वर्षों से चली आ रही कश्मीर समस्या के समाधान के लिए उठाए गए इस फैसले से पूरे देशवासियों में खुशी की लहर है। जम्मू कश्मीर के लोग अब अमन चैन से रह रहे हैं। इस दौरान भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं धारा 370 हटाए जाने को लेकर कोई दंगा ना हो उसको लेकर प्रशासन भी चौकस दिखाई दिया। बता दें कि पिछले साल 5 अगस्त को ही जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया गया था जिसके बाद माहौल खराब होने का डर था। ऐसे में कई अलगाववादी नेताओं को घरों में नजरबंद भी किया गया था, कईयों को बाद में छोड़ भी दिया गया। अब कुछ दिन पहले पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती के खिलाफ भी कार्रवाई की गई क्योंकि कई एजेंसियों के माध्यम से ऐसे इनपुट मिल रहे थे कि कश्मीर में माहौल को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। कई अलगाववादी नेताओं और पाकिस्तान के एजेंडे पर काम करने वालों की तरफ से इस दिन ब्लैक डे मनाने के दौरान बड़ा बवाल किया जा सकता है। इसके बाद डीसी शाहिद इकबाल चौधरी ने 4 और 5 अगस्त को श्रीनगर में कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया। श्रीनगर से फिरदौस कादरी की रिपोर्ट। एक साल हो गया है जो दीवार थी जो बांटने वाली, जो दीवार थी हिंदुस्तान और जम्मू कश्मीर के लोगों ने बैठी, वो नफरत की दीवार रह गई है। ये अलग बात है, कुछ टापरों को इससे बड़ा दुख पहुंचा है क्योंकि उनकी पॉलिटिक्स हमेशा इसी पे चली, धारा 370 लेके। यहां तक कि वो कहते हैं कि अगर इसको हटाया गया तो हाथ का पूरा जश्न जल जाएगा और देश का तिरंगा लहराने वाला कोई नहीं। आप देखिए यहां सैकड़ों लोग देश का तिरंगा लहराने के लिए कितने जोश में है। लेकिन आज इसलिए हम खुशी मना रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो पहले से ही स्लोगन रहा, जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है, एक विधान एक प्रधान और एक निशान, आज इसलिए हम खुशी मना रहे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल आयरन मैन ऑफ इंडिया का वो सपना पूरा है जब उन्होंने कहा एक भारत श्रेष्ठ भारत। आज इसलिए हम खुशी मना रही है क्योंकि मिलिटेंसी का अंत हो रहा है और जो अलगाववाद की तरफ लोग थे वो आहिस्ता आहिस्ता रिजाइन कर रहे हैं, और इसलिए खुशी मना रहे हैं। कश्मीर अमन की तरह लौट रहा है, अब यहां अमन वापस आ रहा है और लोग यहां अमन से अब रह रहे हैं। अब अल्ताफ साहब पार्टीज वही पॉलिटिकल पार्टीज है, अगर आपको याद होगा तजुर्बे के तौर पर जब 5 अगस्त को इनका बंद किया गया तो कहीं एक सिंगल पत्थर नहीं चली है। इसलिए इनकी प्लानिंग गवर्नमेंट को लगा होगा, अप्रिहेंसिव होगी कि कहीं अमन अमान के लिए थ्रेट ना हो और ये ऐसी न करे जिससे यहां अमन बिगड़ने का खतरा है। और ये जिन लोगों ने यहां ब्लैक डे और ब्लैक झंडे उठाने की बात की, उन लोगों को ये बात समझ नहीं लेनी चाहिए क्योंकि ब्लैक झंडा आईएसआईएस का, कहीं वो अनजाने में आईएसआईएस का सपोर्ट तो नहीं कर रहे हैं। आर्टिकल 370 का और 35A का हटना कश्मीर के ये एक ऐतिहासिक डिसीजन लिया गया और इससे सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि जो हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट है, हेल्थ है, उसमें बहुत ज्यादा आगे अपॉर्चुनिटीज हम लोगों को मिल गई हैं, जैसे कि IIM, ITI और जो हमारे एम्स हैं वो भी हमारे जम्मू कश्मीर को दिए गए हैं और आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छी तरह से ये काम होगा और डेवलपमेंट के काम जो है जैसे कि पंचायत के थ्रू डीसी के थ्रू चल रहे हैं, 14FC में भी चल रहा है और नरेगा में भी चल रहा है, तो हम ये मानते हैं कि डेवलपमेंट के काम बहुत तेजी के साथ में आगे बढ़ गए हैं। अभी जैसे कि फिलहाल जो हमने देखा कि यहाँ पर रेलवे और हाईवे का काम भी बहुत तेजी से चल रहा है और आने वाले टाइम में जो कश्मीर को नई सौगात मिलेगी वो है कि रेलवे का जो पुल बन रहा है वो बहुत ही हाई लेवल पर है और उसका जैसे कि पेरिस में बताते हैं कि पेरिस की जो आईफिल टावर है उससे भी ज्यादा है, जिसकी समुद्री तल से ऊंचाई 359 के आसपास उससे भी ज्यादा हो सकती है। तो ये हमारे कश्मीर को बहुत अच्छी सौगात मिलने वाली है आने वाले टाइम में और हमारे डेवलपमेंट वर्क जो है वो उठ रहे हैं और होते रहेंगे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden.
world-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.